So in this image, firstly we are gonna study what is surging, how surging takes place. So let's say हम यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे नोटिस थोड़े मार्किंग्स कर देते हैं. P1, P2, P1, P2, P1, P2. ओके. P1 P2 upon P1 S1. मास फ्लो इस हाई. ओके. सो अभी कंडीशन वन जो है, जैसे कि आप देखोगे ये पी वन है और ये पी टू है. सिंस ये डैम्पर फुली खुला है, एयर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एयर जो है एकदम ईजीली स्मूथली फ्लो हो रहा है राइट थ्रू द डैम्पर. सो पी वन और पी टू जो बोथ कंप्रेसर का आउटलेट प्रेशर और डैम्पर के बाद का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम है डैम्पर के पास का. ओके. अभी हम केस लेते हैं और मास फ्लो भी आपका हाई है सिंस देर इज़ नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर. अभी हम बात करते हैं पी टू की. ओके. लाइक केस बी की, यहाँ पे सिंस हमको डैम्पर को थोड़ा क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. ओके. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो पी टू अपॉन पी वन विल बी हाई, विल बी ग्रेटर देन वन, क्योंकि पी टू ज़्यादा है और P1 कम है. सो P2 अपॉन P1 विल बी ग्रेटर देन वन एंड मास फ्लो ऑफ एयर विल बी लिटिल लेस. ओके. द एयर विल फ्लो एक्चुअली द मास फ्लो विल बी ऑलमोस्ट विल बी लिटिल लेस कम्पेयर टू बिफोर बट एयर विल लाइक यू नो कीप फ्लोइंग स्टिल द एयर विल कीप फ्लोइंग. एंड लेट्स से केस थ्री, यहाँ पे हमने डैम्पर अगर सडनली बंद कर दिया तो P1 जो है आपका बढ़ जाएगा और P2 कम हो जाएगा. तो P2 अपॉन P1 इज लेस देन वन सिंस आपका प्रेशर जो कंप्रेसर के पास है वो अचानक से बढ़ जाएगा और P2 कम हो जाएगा यहाँ पे सिंस यहाँ से एयर रिवर्स फ्लो होना चालू हो जाएगी एंड यहाँ पे दिस एट दिस फ्रॉम एडीज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी एडीज रिवर्सल करंट. और यहाँ पे एक सिंस यहाँ पे डैम्पर बंद कर दिया यहाँ पे एक रिवर्सिंग एडीज फॉर्म हो गए जिसके से P1 बढ़ जाएगा और P2 कम हो जाएगा तो प्रेशर रेशियो जो आपका कम हो जाएगा और साथ में आपका जो मास फ्लो है वो भी एकदम डिक्रीज हो जाएगा. तो जब आपका प्रेशर रेशियो कम हो जाए और मास फ्लो कम हो जाए तो वो कंडीशन में जब जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं सर्जिंग. तो व्हेन द सर्जिंग हैपेंस गाइस इज एज सिंपल एज दिस कि इट इज़ द कंडीशन व्हेन पी टू अपॉन पी वन is less than one and when the mass ratio is very very less when the flow of air has reduced at like you know mass flow of air has reduced that is the condition when surging occurs. So in this picture as you see ki ye jo center mein jo hai ye jo one hai वन इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इम्पेलर द कंप्रेसर वेल विच रोटेट्स और ये टू है जो आपका डिफ्यूज़र है जो आपके बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अभी लेट्स से आपका जो एयर कूलर है वो आपके एयर को बराबर से कूल नहीं कर रहा, अंदर कचरा आ गया है सडनली और वहाँ पर बहुत सारा लाइक यू ना गंदगी भर गए, देर इज़ सो मच रेजिस्टेंस. सो अंदर जो एयर जो फ्लो होना चालू होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा. सिंस टेम्परेचर हाई होगा तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो सबसे पहले मास फ्लो कम हो जाएगा और दूसरी बात सिंस वहाँ पे रेजिस्टेंस बना है तो जो ये आपका P1 है चाहे यहाँ से एयर डिक्रेटर डिलीवर्ड एयर प्रेशर इज़ P1 एंड द स्कैवेंज एयर प्रेशर इज़ P2. तो जो आपका डिलीवर्ड एयर प्रेशर है ये बढ़ जाएगा और P2 कम हो जाएगा और एयर कूलर के पास से एयर रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके वजह से क्या होगा गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि कंडीशन जो बी दिया है यहाँ पर डिफ्यूज़र पर एडीस बनना स्टार्ट हो गई है. तो एडीस क्या है ये एक सॉर्ट ऑफ एक बैरर बना के बना देती है ताकि
हवा को आगे मूव ना होने दें। तो ये टेम्पररी एडीज क्रिएट हो गए, जो सर्जिंग का जो स्टार्टिंग होता है वो ये एडीज फॉर्मेशन से होता है, और उसके बाद आपकी जो एयर है वो यहाँ से रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी वापस कंप्रेसर। तो जो कंप्रेसर जो फॉर एग्जाम्पल व्हील जो क्लॉकवाइज में घूम रही है, ये उल्टा उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेगा, एंड देन फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड द कंप्रेसर विल ट्राई टू स्टॉप। लाइक जो चीज़ अगर सीधा घूम रहे हो उसको अगर आप तुरंत तुरंतली उल्टा घुमाने की कोशिश करो तो ये क्या होगा, आपके बेयरिंग्स पे, आपके बेयरिंग्स इससे जा सकते हैं, जो आपके थ्रस्ट बेयरिंग है, लेब्रिन जो सील है वो सब आपका जा सकता है, डैमेज हो सकता है, थ्रस्ट बेयरिंग आपके उसके जो जर्नल बेयरिंग्स है एंड द कंप्रेसर व्हील, इट कैन गेट फक्ड अप ड्यू टू दिस। तो आपके ब्लेड्स जो है वो टूट सकते हैं। सो सर्जिंग इज़ अ वेरी बैड कंडीशन। लाइक गाइस जब ब्लेड टूटती है ना, इट फायर्स लाइक अ मिसाइल। सो प्लीज़ प्लीज़ कीप योर एयर कूलर्स क्लीन गाइस, प्लीज़ कीप इट क्लीन। सो गाइस दिस इज़ द ग्राफ विच वी यूज़ फॉर टर्बो चार्जर एफिशियंसी ऑन द शिप। तो बेसिकली गाइस ये प्रेशर रेशियो की लाइक ऑन वाई एक्सेस वी हैव प्रेशर रेशियो एंड ऑन एक्स एक्सेस वी हैव द एयर फ्लो। ओके तो जनरली, और ये स्पीड ऑफ कांस्टेंट लाइंस है। सो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती आ रही है, फॉर एवरी स्पीड लाइक यू नो द प्रेशर रेशियो इंक्रीजेस एंड देन इट लाइक यू नो इट ड्रॉप्स डाउन। आप यहाँ पे देख रहे हो वो इंक्रीज होता है, देन इट ड्रॉप्स डाउन, इंक्रीजेस एंड इट ड्रॉप्स डाउन। ओके सो ये सब के अगर पीक पे से अगर हम एक लाइन लेके जाते हैं तो वी गेट अ सर्ज लाइन। ओके सो ऑन सर्ज लाइन के राइट साइड पे ऑपरेशन इज़ वेरी स्टेबल। सर्ज लाइन के राइट साइड पे, जैसे कि मैं आपको पहले पहले बताया द सर्जिंग की कंडीशन क्या है, पी टू अपॉन पी वन, प्रेशर रेशियो अगर कम हो जाता है लेस देन वन। ओके इफ़ द प्रेशर रेशियो गोज डाउन एंड अल्सो इफ़ योर मास मास फ्लो ऑफ एयर, मास एयर फ्लो रिड्यूस इज़ वेरी बैडली, रिड्यूस इज़ बैडली। ओके तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो लाइक यू नो ऐसी कंडीशन में अगर हम आप टर्बो चार्जर चलाओगे देन दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ सर्जिंग। तो सर्ज लाइन की अगर ये साइड, ये सर्ज लाइन की अगर ये साइड चलाए तो इट्स अ हाईली अनस्टेबल ऑपरेशन। ओके एंड दिस इज़ द लाइन वेर द जिसके लेफ्ट साइड पे द सर्जिंग स्टेज टेक्स प्लेस, दिस इज़ काइंड ऑफ अ सैचुरेशन लाइन फॉर द सर्जन। अवर इंजन ऑपरेट्स समवेयर अराउंड हियर। अब ये लीव ये क्यों दिया है गाइस, दिस लीवे, लिटल लीवे इज गिवन ताकि अगर सिस्टम में अगर थोड़ा फाउलिंग हो जाए कंप्रेसर ब्लेड्स पे या फिर आपके लाइक यू नो क्योंकि एग्जॉस्ट जो टर्बाइन साइड जो है वहाँ पे उसकी जो नॉजल्स है उस पर कैल्शियम सल्फेट एशेस, बाद में आपके कार्बन जो है वो डिपॉजिट फॉर्म होता है नॉजल पे। तो नॉजल पे अगर वो डिपॉजिट होते जाएगा, फॉर एग्जांपल ये नॉजल है, ओके तो यहाँ पे अगर थोड़ा 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 डिपॉजिट हो गया तो ये गैस फ्लो का जो पैटर्न है टू द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन, तो उसको ये गैस फ्लो का पैटर्न जो है वो अफेक्ट हो जाएगा नॉजल से, जो टर्बाइन पे जो हो रही है लाइक यू नो पूरा गैस फ्लो आपका वो पूरा अफेक्ट हो जाएगा उसके वजह से। तो उसके वजह से लाइक यू नो आपका स्लाइट प्रेशर ड्रॉप हो सकता है एंड आपका थोड़ा मास फ्लो में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कंप्रेसर पे भी क्या है इंजन रूम का जो डर्ट होता है वो डर्ट और थोड़ा ऑयली डर्ट जो है वो अंदर जाके कंप्रेसर की जो व्हील है उसकी जो वेन्स है, कंप्रेसर व्हील के जो वेन्स है उसके ऊपर जाके वो बैठ जाता है, चिपक जाता है, एंड दैट ऑल्सो लाइक यू नो सम हाउ डिस्टॉर्ट्स द पैटर्न। तो ये लीवे दिया है परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा लाइक यू नो। तो या गाइस हम टर्बो चार्जर की हम एफिशिएंसी हम कैसे लाइक यू नो हाँ व्हेन द इन द व्हेन द इंजन इज ऑपरेटिंग हाउ डू वी नो दैट द टर्बो चार्जर इज रनिंग सफिशिएंटली। सबसे पहला तो
आपका टर्बो चार्जर जो है उसके इनलेट और आउटलेट जो है उसके अक्रॉस जो प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस है वो मेजर करिए फॉर द पर्टिकुलर लोड। अभी आपके शिप में ना शॉप टेस्ट ट्रायल का एक रिपोर्ट होता है इंजन के मैनुअल में, जब इंजन बनता है ना और उसका जब सी ट्रायल होता है तब शॉप टेस्ट ट्रायल रिपोर्ट में ना नए इंजन की सब एट डिफरेंट लोड्स 0%, 10%, 85, 90, 95, 100 हर एक वेरियस लोड्स पे हर एक डेटा ना लॉकडाउन होता है। तो टर्बो चार्जर का इनलेट और टर्बो चार्जर आउटलेट का टेम्परेचर जो है आप देखिए, लाइक यू नो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, द डिफरेंस ज़्यादा होना। अभी जितना ज़्यादा डिफरेंस है ना उतना ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट की है, लाइक यू नो उतना ज़्यादा आपका टर्बो चार्जर एफिशिएंटली रन हुआ है, दैट मच एनर्जी हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द टर्बो चार्जर। अभी अगर आरपीएम आपका ज़्यादा और टेम्परेचर डिफरेंस जो है डिफरेंशियल वो भी अगर आपका अच्छा है उसका मतलब क्या है गाइस, उसका मतलब ये है कि द मोर द एफिशिएंसी ऑफ द टर्बो चार्जर हैज़ गॉन अ लिटिल हायर, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर लाइक यू नो ड्रॉप होगा उसका मतलब यही है कि सिंपल है कि उतना ज़्यादा टर्बो चार्जर से सॉरी जो एग्जॉस्ट गैस है उसमें से उसकी एनर्जी ली है हम लोग ने इसको ड्राइव करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे बिल्डअप होगा कार्बन का डिपोजिशन होगा या कुछ होगा तो टेम्परेचर डिफरेंशियल जो है ना अगर अंदर फाउल टर्बो चार्जर होगा तो टेम्परेचर डिफरेंशियल बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट दोनों साइड आप देखना कि कम 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 होते जाएगा ओवर द टाइम। दूसरा ये है कि आपका जो कंप्रेसर साइड है उसमें भी जो साइलेंसर है साइलेंसर के साइड पर आप देखना एक मैनोमीटर लगा रहता है, उसमें जनरली आपके फिल्टर के पहले जो एब्सोल्यूट प्रेशर रहता है और फिल्टर के बाद एक मैनोमीटर लगा रहता है और वो मैनोमीटर से पता चलता है कि आपका फिल्टर कितना चोक है। अभी जितना फिल्टर चोक होगा उतना मास फ्लो डिलीवरी कम होगा गाइस, तो याद रखो मास फ्लो डिलीवरी से क्या होगा। ओके तीसरी बात जो है अगर आपका स्कैवेंज मैनिफोल्ड चोक है, ओके तो अगर आपका स्कैवेंज मैनिफोल्ड चोक है तो क्या होगा आपकी जो एयर है जो अंदर जा रही है जो प्रेशर एनर्जी है वो लाइक यू नो जो कंप्रेस्ड एनर्जी है द कंप्रेसर कंप्रेसेस द एयर राइट, बट आफ्टर कंप्रेसिंग द एयर वी नीड टू कूल डाउन बिकॉज वी डोंट नीड दैट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ऑफ द एयर बिकॉज एयर एट अ हाई टेम्परेचर इट इज उसकी डेंसिटी लाइट होती है, लाइक यू नो व्हेन इट इज अबाउट टू रेन हैवीली द क्लाउड्स आर वेरी वेरी डेंस, सो इन सेम वे द एयर शुड बी कूल डाउन प्रॉपरली। आपका एयर कूलर जो है उसका जो इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर है वो दोनों के बीच में 5 डिग्री से ज़्यादा लाइक यू नो डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, 5 डिग्री लाइक यू नो इज द नॉर्मल डिफरेंस टेम्परेचर। तो आप एयर कूलर का जो भी आउटलेट है ना उसको थ्रॉटल करके मेक श्योर कि 5 डिग्री से ज़्यादा दोनों के बीच का ये ना जाए, और अगर तो भी जा रहा है लाइक यू नो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एयर अपना एयर कूलर जो है गाइस वो आपका चोक है और आपको एयर कूलर को क्लीन करना है, क्योंकि एयर उसके वजह से भी एक तो टेम्परेचर हाई हो गया और अगर एयर कूलर चोके तो मास फ्लो तो कम होगा लाइक यू नो एंड देन द प्रेशर रेशियो भी आपका कम होने लगेगा एंड देन आपका टेम्परेचर हाई जाएगा। अभी हाई टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर इफ़ द हाई टेम्परेचर स्कैवेंज एयर गोज टू द कंबशन स्पेस देन द एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर विल ऑल्सो गेट हाई। अभी ऐसे क्यों, हाई टेम्परेचर पे एयर है मतलब इट इज़ लेस डेंस एयर मतलब कम हवा, अभी कम हवा में ज़्यादा फ्यूल डालेंगे तो अनबर्न फ्यूल तो होगा और अनबर्न फ्यूल की वजह से क्या होगा हाई एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, अभी उसके वजह से भी सर्जिंग होगा, तो सर्जिंग बेसिकली इट्स अ कम्प्लीट लाइक यू नो इट्स अ साइकिल लाइक यू नो पूरा कुछ भी एवरी लाइक यू नो राइट फ्रॉम दी आपका साइलेंसर जहाँ पे आप एयर फिल फिल्टर लगाते हो वहाँ से लेके आपके रोटर आउटलेट तक एवरी फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर आपका एग्जॉस्ट वाल लीक कर रहा है देन टू लाइक यू नो आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हाई जाएगा, एग्जॉस्ट वाल लीक एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हाई होने के वजह से अगेन यू विल हैव अ सर्जिंग कंडीशन। सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, you have to check the temperature parameters, you have to check inlet outlet of turbocharger, you have to check air cooler ka pressure drop across the air cooler, before air cooler, after air cooler, air ka temperature dekho before air cooler, outer after air cooler kitna hai, around 35 to 40 degree ke beech mein rakhna hai, usse zyada nahi rakhna hai। दूसरी बात आपको ये भी क्या जो 5 degrees maintain करना है guys,
अराउंड सॉरी स्कैवेंजर प्रेशर अबाउ 40 डिग्रीज रखना है, और जो कूलिंग वाटर जो है इन द इनलेट ऑफ द एयर कूलर एंड आउटलेट ऑफ द एयर कूलर शुड नॉट बी मोर द डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 5 डिग्रीज। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है, और फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज़ वेरी नेसेसरी गाइस, ये प्लीज़ आप करो, नहीं तो अगर भाई छोटी चीज़ों के वजह से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर आप टर्बो चार्जर के बहुत के जो लेबरिन जो है थ्रस्ट प्लेट है उसके बेयरिंग्स है सब कुछ जा सकता है, कंप्रेसर व्हील है वो जा सकती है। सो गाइस प्लीज़ थोड़ा लाइक यू नो जस्ट स्टडी वेल बिफोर, बिकॉज सी ऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम मेंटेनेंस ना गाइस आई टेल यू, हम मेंटेनेंस हम 6 महीने में एक बार करते हैं, पर ऑपरेशन रोज करना है,